इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि कानूनी तौर पर कौन सही है, कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए और जिस आधार पर ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, याचिका लगाई गई है, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि 3 बजे जब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो साफ हो जाएगी तस्वीर, लेकिन चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब है, वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। AK जैन साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ही समझना चाहेंगे, उस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहेंगे, सिर्फ इस सुनवाई को लेकर नहीं, लेकिन व्हिप जारी करने को लेकर सबसे पहले ये सवाल उठ रहा था कि ये व्हिप जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि सदन में विधायक दल की बैठक नहीं हो रही थी। अब इसमें उनका कहना है कि बिल्कुल सही तरीका है, उनकी उपस्थिति नहीं थी इसलिए नोटिस भी दिया गया। कानून क्या कहता है वो समझाइए पहले। देखिए, कानून जितना कहता है उससे ज्यादा चुप रहता है। अगर हम इस प्रोविजंस की बात करें जो 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची के सेक्शन 2 के पार्ट 1 में तो ये लिखा है कि स्पीकर यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी का परित्याग कर देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक। दूसरा भाग ये है कि यदि वह पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत अथवा के विपरीत अथवा पार्टी द्वारा ऑथोराइज किसी पर्सन के निर्देशों के विपरीत वोट देता है या वोट देने से विरत रहता है, ऐसी परिस्थिति में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो ये सेकंड पार्ट है इसको हम सामान्य भाषा में व्हिप कहते हैं कि जो पार्टी का व्हिप है उसका उन्होंने वॉयलेशन किया गया है। इस मामले में महेश जोशी द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें ये किया गया है पिटीशन राय कि बार बार बुलाने के बाद भी ये मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और व्हिप जारी किया कि वो इसकी मीटिंग में आए उसमें नहीं आए, तो इसलिए उसके इसकी टू फोल्ड है, कंप्लेंट के टू फोल्ड हैं कि एक तो उन्होंने ये माना जाए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और दूसरा ये कि उन्होंने व्हिप का वायलेशन किया है। जहाँ तक व्हिप के वायलेशन का प्रश्न है, व्हिप उसमें एक्ट में ही लिखा है कि सदन के मामले में व्हिप जारी किया जा सकता है, वो उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। पर इसके अलावा दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपने पार्टी को छोड़ दिया है, स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ दिया है, अब स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का मतलब ये नहीं है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो, पार्टी छोड़ दियो, यह एक ग्रे एरिया है जहां यह कहा जा सकता है कि यदि कोई आदमी अपने कंडक्ट से ऐसा जाहिर करे कि उसने पार्टी छोड़ दी है तो उसको ये माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है वो शरद यादव के संबंधित में है, जहां पर शरद यादव को डिस्क्वालीफाई किया था और उसमें यही जो रणजीत सिंह जो दूसरी साइड के वकील थे उन्होंने यही आर्गू किया था कि भाई शरद यादव RJD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, RJD की टिकट पे बाद में लोकसभा चुनाव लड़ने भी पहुंच गए, इन स्थिति में ये माना जाए कि वो JDU छोड़ चुके हैं स्वेच्छा से और इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई जो किया है वो सही किया है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ ये प्रश्न आएगा, क्योंकि जहां तक व्हिप का प्रश्न है व्हिप सिर्फ सदन के लिए जारी हो सकता है, पर अगर आपने पार्टी छोड़ी है या ये वो कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि नहीं इनके जो एक्ट हैं वो पार्टी छोड़ने के समान है, तब स्पीकर का ज्यूरिसडिक्शन बनता है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सके। जी बिल्कुल ध्रुव गुप्ता जी, अब इस मामले को लेकर, क्योंकि 3 बजे सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है, याचिका लगा दी गई है, कितना नजर आ रहा है, क्या संभावना नजर आ रही है कि ये क्या प्रूफ कर पाएंगे, या फिर सचिन पायलट ने जो याचिका लगाई और जैसा कि उन सभी का ये कहना है कि क्योंकि ये सदन की बात नहीं थी इसलिए ये व्हिप देना ही जारी करना ही गलत है, तो क्या इसमें उनका फायदा उन्हें फायदा मिल सकेगा सुनवाई के दौरान। सबसे पहली बात जो जानने की जरूरत है वो ये है कि जो याचिका लॉज करी गई है राजस्थान हाई कोर्ट में, दिस इज अ रिट पिटीशन। रिट पिटीशन होती है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने अप्रोच किया है सीकिंग क्वॉशमेंट ऑफ द नोटिस जो इशू किया है स्पीकर ने। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, जो समझ में आती है बात, कि ये व्हिप को क्वॉश करने के, जब ये व्हिप पार्टी ने इशू किया था, पार्टी ने ये कंपेल किया था कि आप आइए पार्टी में के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, द फैक्ट कि सचिन पायलट जी और उनके जो साथ में मंत्री हैं ये सारे के सारे एब्सटेन करते हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी सच मीटिंग पर्सुएंट टू अ व्हिप,
ये अपने आप में एक ग्राउंड है फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्क्वालिफाइंग अ पर्सन, डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इसका डिसीजन सिर्फ रहता है स्पीकर और चेयरपर्सन के पास, एज द केस में भी अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है. नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने ये इस पे जो इन्होंने जिस नोटिस के खिलाफ ये आज आए हैं हाई कोर्ट में, ये क्लियरली कुछ नहीं बताता कि इफ देयर हैज बीन एनी ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि सबसे प्री रिक्विजिट है टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो देयरफॉर जो लॉ बोलता है वो ये है कि स्पीकर का डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दैट समबडी हैज वॉलंटरीली रिलिंक्विश्ड हिज मेंबरशिप, दैट डिसीजन इज स्टिल टू कम. अभी इट हैज ओनली बीन अ नोटिस दैट हैज बीन इशूड. सो फार एज द डिसीजन इज कंसर्न, देर हैज बीन नो डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर. देयरफॉर कॉश करना अभी इस स्टेज पे प्रीमेच्योर है. बिल्कुल, लेकिन 17 तक के जिससे वक्त 2 दिन का दिया गया था कि नोटिस का जवाब इन्हें देना है, उससे पहले ही ये कोर्ट पहुंच जाते हैं, याचिका लगा दी जाती है. अब ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का कितनी इंपॉर्टेंस यहां पर रहेगी? स्पीकर का जो डिसीजन है, स्पीकर का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल 10 है उसके पैरा 6 में क्लियरली लिखा गया है कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल. देर आर सुप्रीम कोर्ट के कई अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग केहोता होलवान जाकेलू जजमेंट, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात बोली है कि द डिसीजन मे बी फाइनल बट इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी अगर द प्रोसीजर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद. इस केस में क्योंकि द एक्सरसाइज ऑफ इशूइंग नोटिस अभी भी बहुत प्रीमेच्योर है, इस पे कोई डिसीजन नहीं है स्पीकर का, देयरफॉर मियर इशुएंस ऑफ नोटिस इज नॉट हैज नॉट कॉज्ड एनी ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट. देयरफॉर इनवोकिंग आर्टिकल 226 टू अप्रोच द हाई कोर्ट इज प्रीमेच्योर. जी पूनम चंद भंडारी जी, अब क्योंकि जिस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी है, बागी एक एक करके विधायक हो गए और उसके बाद कानूनी सलाह भी दोनों तरफ से ली जा रही थी क्या कुछ हो सकता है सरकार गिराने को लेकर, या सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सरकार स्थिर रहेगी, ये सब भी बयान यहाँ पर दिए जाते रहे. लेकिन अब क्योंकि अब कानूनी पहलू यहाँ पर अहम हो जाता है, याचिका लगाई जा रही है, इसके आगे और क्या हो सकता है? जैसे इस मामले को लेकर सुनवाई तो 3 बजे हो रही है, इसके आगे भी अगर फेवर में नहीं जाता है तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो नोटिस जारी किया गया है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, दैट इज विदाउट ज्यूरिसडिक्शन. क्योंकि अगर 2 मीटिंग में वो नहीं आ रहे हैं, ये कहना है महेश जोशी का कि 2 मीटिंग में उनको बुलाया है और 2 मीटिंग में वो आए नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने नोटिस जारी किया उनको आप मीटिंग में आइए और वो ना आए हों. सिर्फ मीडिया में चल रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, मीडिया में स्टेटमेंट दिया रहा है, बट नो नोटिस हैज बीन इशूड बाय द पार्टी. अगर विधानसभा की अगर इनकी मीटिंग वहाँ हो रही है MLS की, तो आपको नोटिस एमएलए तो करना पड़ेगा. और उनका बराबर स्टेटमेंट आ रहा है कि वो पार्टी के साथ में है. अगर जो मैंने मीडिया में स्टेटमेंट देखा है, वो पार्टी साथ में है. जब पार्टी के साथ में है, पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, त्याग पत्र दे नहीं रहे हैं, तो फिर ये नोटिस चलने वाला नहीं है. और जहां तक व्हिप का सवाल है, मिस्टर जैन ने से एक्सप्लेन कर दिया है, व्हिप तो तब जारी हो जब वहां वो कहीं वोटिंग हो रही हो, कोई और हो, तो वो है नहीं है. सिर्फ विधायक दल की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग में वो कहा कि आप आइए, और विधायक दल की मीटिंग में अगर मैं नहीं आता हूं तो विधायक दल की मीटिंग में यदि कोई MLA नहीं आए तो इस आधार पे इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता. मेरी राय में तो ये जाते हैं हाईकोर्ट से, आज इसको तुरंत स्टे होगा. मेरे इन माई पर्सनल ओपिनियन ये स्टे होना ही इस नोटिस के अंदर, क्योंकि अभी अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस भी नहीं है कि ये नोटिस जारी किया, कि उनको नोटिस जारी किया जाए इस बात पर कि आपको क्यों डिस्क्वालीफाई क्यों ना कर दिया जाए. तो जो आपका कुछ है ही नहीं, एक सिंपल लेटर आपने लिख के दे दिया महेश जोशी जी ने कि 2 बार ये हमने इनको बुलाया है, 2 बार मीटिंग में नहीं आए हैं, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए. तो जहां तक सवाल ये है, ये नोटिस विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है और बिल्कुल सही, हाईकोर्ट में फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ये कि विदास बिना सुने हुए किसी आदमी के खिलाफ कोई ऑर्डर कर देंगे आप, और टाइम भी यू आर गिविंग ओनली फॉर 2 डेज. मतलब व्हाट इज अर्जेंसी? 2 दिन का समय दे रहे हैं आप, आपको इतनी अर्जेंसी क्या है? और नोटिस भी आप चस्पा करा रहे हो जा करके वहां पर, तो यू कैन वेट फॉर 1 वीक 2 वीक, क्या जल्दी क्या हो रही है इसके अंदर? तो मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, ये तो आज नोटिस को जो है ये तो स्टे होगा. आपको लगता है कि इसमें स्टे लगेगा? स्टे होगा इसमें. तो चलिए अब इंतजार सुनवाई को लेकर, और आपको बता दें मुख्य न्यायाधीश पहुंच चुके हैं
कोर्ट कुछ ही देर में हाई कोर्ट पहुंच चुके और कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, आपको रोका था अभिनव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, और जो वेब को लेकर ये सवाल उठ रहे और कहना भी है कि स्पीकर ने गलत किया है, ये नोटिस देना बनता ही नहीं था, ये इनकी तरफ से कहा गया, इसको भी आधार बनाया जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं। जो पक्ष है वो पक्ष ये कह रहा है कि एक तो ये प्रीमेच्योर है, याचिका जो है वो बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पर फाइल कर दी गई है। इस वक्त ना तो स्पीकर ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना ही अभी कोई स्पीकर के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है जिसको न्यायालय जो है वो एग्जामिन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये शक्तियां जुडिशियल स्कोप से बाहर हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये स्पीकर का एक्सक्लूसिव डोमेन है। जब तक स्पीकर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेते, कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं बनता है। वहीं जो विपक्ष है यानी जो याचिकाकर्ता है, उनकी तरफ से मूल रूप से मुद्दा यह है कि ये जो कार्रवाई की गई है स्पीकर के द्वारा, वो केवल इसलिए नहीं कि अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, बट एक्शन इज कंटेम्पलेटेड, यानी कार्रवाई होनी है। तो जब कार्रवाई होनी लाजमी है, और ये दिख रहा है कि जिस प्रकार का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है और कार्रवाई किस प्रकार की होगी, वो अंजाम और परिणाम दोनों ही सामने लगभग पता है सभी को, तो ऐसे में ये नोटिस जो है वो गैर संवैधानिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो कंडीशंस हैं 10 शेड्यूल में जो कंडीशन डाली गई है क्लॉज 2 के अंदर और 3 के अंदर, वो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती ना। तो यहां पर ये विधायक, अच्छा सबसे बड़ी आवश्यक चीज जो है वो ये कि कांग्रेस आई पार्टी द्वारा अभी तक इन 19 विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर यानी पार्टी स्तर पर कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया जिसमें वो ये कहते हो कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं और आपका ये कृत्य जो है वो दुराचरण की श्रेणी में आता है। तो जब कांग्रेस पार्टी स्वयं ये नहीं मानती कि 19 विधायकों का दुराचरण की श्रेणी का कृत्य है, वो इनको ये कहती है कि उनके मन में कोई अदावत है, कोई चीजों को लेकर के शिकायत है, हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे, तो ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने स्तर पर ये मानती है कि इन विधायकों के द्वारा कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं की गई, दुराचरण नहीं किया गया, उनको कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया, तो इस प्रकार का जब कोई कृत्य नहीं है तो पार्टी के चीफ व्हिप द्वारा किस प्रकार स्पीकर को अप्रोच किया गया, और चीफ व्हिप ने जो अप्रोच किया है वो केवल इस चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि यदि कोई पार्टी ने व्हिप जारी की हो और उस व्हिप जारी करने के विरोध में उन्होंने कोई किया कार्रवाई उनके विधायकों द्वारा की गई है, तो ऐसी सूरत हाल में जो 10 शेड्यूल के तहत रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स ऑफ हाउस और बिजनेस जो है, उस रूल्स ऑफ हाउस और बिजनेस में व्हिप के चीफ व्हिप के द्वारा एक पिटीशन स्पीकर के सामने मूव करी जा सकती है। यहां पर इस प्रकार की कोई व्हिप नहीं थी, और यदि वो व्हिप नहीं थी और आप नोटिस को यदि देखेंगे तो वो नोटिस भी एक बड़े गार्डेड लैंग्वेज में ड्राफ्टेड नोटिस है जिसमें कहा गया कि ऐसी संभावना है कि आप दूसरे खेमे में जाकर के मिल सकते हैं। तो जब आप संभावनाओं के आधार पर नोटिस दे रहे हैं तो ऐसा प्रीमैच्योर नोटिस दैट हैज टू हैव कम अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी, और जब जुडिशियल स्क्रूटनी इस चीज की होती है तो न्यायालय को यह देखना आवश्यक होगा कि नोटिस के द्वारा अगर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं और यदि इंटरिम स्टेज पर कोई कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है तो उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है और एक मैं समझता हूं कि एक बहुत ही स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के अंदर डिविजन ऑफ पावर और पार्टीशन ऑफ पावर भी है, क्योंकि सवाल स्पीकर के विरोध में है और राज्य के स्पीकर के द्वारा यदि कोई नोटिस दिया गया है तो वो एकदम से इमीडिएटली गैर संवैधानिक, कोर्ट उसे नहीं मान सकता। निश्चित तौर पर स्पीकर के पास पावर्स हैं, पर अब प्रश्न ये है कि वो जो पावर की एक्सरसाइज की गई है, क्या वो पावर की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से सही सब्जेक्ट मैटर पे और सही विषय वस्तु के साथ में की गई है अथवा नहीं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं क्योंकि महेश जोशी पहुंच चुके हैं, एडवोकेट एस के सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं कोर्ट पे, महाधिवक्ता पहुंच चुके हैं। सबसे अहम ये कि देखिए 3 बजने वाले हैं, 3 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और जो आधार बनाया गया है उसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक ही जैन साहब, जिस तरह से अभी अभिनव जी का भी कहना था, एक तो सवाल स्पीकर को लेकर भी उठाए गए इनके द्वारा, दूसरा ये भी कहना कि नोटिस देने के बाद 2 दिन का वक्त भी बहुत कम होता है, तो क्या कोई क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने डेज आपको देने होंगे किसी को जवाब देने के लिए अगर इस तरह के मामले आते हैं तो? देखिए, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सफिशिएंट रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। नागालैंड के एक मामले में, नागालैंड के रूल्स में स्पीकर के नोटिस, जैसे राजस्थान के 1989 के रूल्स हैं, वहाँ पर स्पीकर को नोटिस देने के लिए 7 दिन का समय था, स्पीकर ने 3 दिन का नोटिस दिया, परंतु उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये हेल्ड किया कि ये 7 दिन का समय तो है परंतु अगर परिस्थितियां डिफरेंट हो तो इस समय को कम करके और 3 दिन का नोटिस दिया जाना भी वैध हो जाए। अब ये कोर्ट को तय करना है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि 3 दिन का नोटिस दिया गया। वैसे मैं दूसरे एंगल से बात कहूं, नोटिस को चुनौती देना अपने आप में एक बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय पास नहीं हुआ है। नोटिस सिर्फ उसी स्थिति में चैलेंज किया जा सकता है जब अपेरेंटली अगेंस्ट द लॉ हो,
अपेरेंटली परवर्स हो या बिल्कुल लगता है कि ये मैलाफाइडली कानून के विपरीत दिया गया हो। इन तीन बातों को यदि ये सेटिस्फाई कर पाते हैं जो 19 विधायक हैं इनके अभिभाषक गण, तभी जाकर इस नोटिस को चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा नोटिस को चुनौती, आदेश को चुनौती दी जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू आदेश का मैलाफाइट के ग्राउंड पर, परवर्सिटी के ग्राउंड पर या बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन या बियॉन्ड लॉ पास करने के ग्राउंड पर किया जा सकता है, परंतु नोटिस का स्कोप ये है कि नोटिस जब तक परवर्स नहीं हो और अपेरेंटली रॉन्ग नहीं हो तब तक नोटिस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नोटिस को क्वेश्चन करने के लिए गए कि 3 दिन का समय दिया गया जो बहुत कम है, नोटिस अगेंस्ट द लॉ दिया गया, इसे मुख्य आधार है कि नोटिस अगेंस्ट द लॉ गया, क्योंकि नोटिस में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से प्रावधान के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया। उन्होंने एक जनरल लिख दिया कि आर्टिकल 191 पार्ट 2 के तहत एंड अनुसूची 10 के अनुसार और तथा 89 के रूल्स के तहत ये नोटिस दिया जा रहा है, स्पेसिफाई उस नोटिस में नहीं है कि आपका क्या कारण दिया हुआ है। और बिल्कुल एक जानकारी भी मिली कि महेश जोशी ने पक्षकार बनने की अर्जी के साथ कैविएट भी दायर कर दी है। ध्रुव जी, कैविएट दायर करना अपने आप में इतना मुश्किल काम नहीं है। कैविएट सिंपली मींस कि आई शुड बी पुट टू नोटिस बिफोर अ मैटर इज हर्ड बिफोर द कोर्ट। तो इस केस में कैविएट का फाइल होना हर एपिलेट स्टेज पे होता है या फिर हर ओरिजिनल साइट ज्यूरिसडिक्शन पे जैसे रिट पिटीशन में है, वो सिर्फ इसी कारण के लिए है कि इससे पहले कि इस पे नोटिस इशू किया जाए या सरकार के खिलाफ या रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ कोई डिसीजन आए, एक बार रिस्पोंडेंट्स को भी सुनवाई मिले और उन्हें भी सुना जाए। तो अब क्या जब कैविएट दायर कर दी गई तो 3 बजे सुनवाई में फिर पूनम चंद जी क्या देखिए, क्योंकि कैविएट भी दायर की गई कैविएट का मतलब ये नहीं है, सेक्शन 159 हाई कोर्ट रूल्स में दिया था उसका मतलब नहीं है। कैविएट का मतलब ये है कि स्टे अगर करते हैं उससे पहले मुझे सुना जाए। तो इसके अंदर जो ये आज रिट फाइल हुई है मतलब हाई कोर्ट कैन इशू नोटिस, लेकिन अगर जब उनको ये आएगा मुझे स्टे करना है नहीं करना है तब जिसने कैविएट दायर कर रही है उसको सुनना पड़ेगा उनको, और उसे सुनने के लिए ये कहा जाता है आज हाईकोर्ट के द्वारा कि पहले इनको कॉपी दीजिए ताकि दे कैन फाइल रिप्लाई ऑल्सो। तो इससे कैविएट का अधिकार इतना ही है कि स्टे करने से पहले हमको सुन लिया जाए, यानी एक्स पार्टी स्टे ना किया जाए ताकि अपनी पूरी बात को रख सकें वो। तो जो उन्होंने कैविएट फाइल किया है अब वो डिमांड करेंगे कॉपी की, हो सकता है मेरे ख्याल से हो सकता है इसको कल सुनवाई के रख दिया जाए, परसों सुनवाई के रख दिया जाए, सुनवाई ना हो इसको, क्योंकि कैविट फाइल किया है तो कॉपी देनी पड़ेगी और कॉपी देने के बाद में वो उसको स्टडी करेंगे। तो जनरली हमारे प्रैक्टिस ये है कि जब कोई कैविट फाइल करता है तो उसको टाइम दिया जाता है, तो हो सकता है इसको आज टाइम दे दें, 2 दिन का, 1 दिन का या कल तक का टाइम दे दें, और नहीं तो स्टे पर ऑर्डर करने से पहले उनको सुनना पड़ेगा ये बात। बिल्कुल, तो सुनवाई होगी अभिनव जी, सुनवाई होगी और कैविएट भी दायर की गई, यानी कि पहले इस याचिका पर सुनवाई होगी और उस पर अगर स्टे लगता है तो उन्हें मौका दिया जाएगा, नोटिस जारी कर देंगे, नोटिस जारी कर सकते हैं वो। अभिनव जी देखिए, ये रिट पिटीशन की कॉपी जो अब हमारे पास आई है वो ये कहती है कि आपके जो चीफ व्हिप ने नोटिस दिया है वो ये कहते हैं कि अर्लियर ऑन 13 जुलाई अ मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी एट 10:30 ऑन चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस एस जयपुर। रिग्रेटेबली इट वॉज नोटिस दैट सम मेंबर्स डेलिबरेटली चूज टू अवॉइड अटेंडिंग द सेम डेस्पाइट फुल नॉलेज ऑफ द इवेंट। हाउएवर इन व्यू ऑफ द एक्सिजेंसीज फर्दर मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑन सच एंड सच रिसोर्ट एट कुकस एंड देन आफ्टर फेलिंग दिस एंड दिस एंड दिस हैज हैपेंड एंड दिस नोटिस इज बीइंग सेंड टू ऑन ईमेल एंड एड्रेस एंड दिस हैज बीन साइंड बाय महेश जोशी चीफ व्हिप। अब सवाल ये है कि जो चीफ व्हिप है जिन्होंने ये नोटिस भेजा है या स्पीकर को ये नोटिस भेज करके बताया है कि हमने एक व्हिप जारी करी, तो ये मैं समझता हूँ कि अपेरेंटली एब्सर्ड है अपने आप पे। ऑन द फेस ऑफ इट ये ऑर्डर जो है, जो स्पीकर का नोटिस है, ये क्वैश और सेटिसाइड होने लायक है लगता है प्रारंभिक तौर पर। और जो ग्राउंड लिए गए हैं रिट पिटीशन में वो भी यही लिए गए हैं कि उनका ये कहना है कि 14 जुलाई 2020 को डॉक्टर महेश जोशी ने चीफ व्हिप की कैपेसिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को अप्रोच किया है, वो गलत है क्योंकि हाउस सेशन में नहीं था और ये व्हिप जारी नहीं की जा सकती। और ये भी लिखा गया है कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी जिसको उन्होंने कहा है कि अपने नोटिस में, इट वॉज एन सिंगल अटरेंस ऑफ एन एक्शन देयर इन दैट इट हैज बीन अ हाईली अर्जेंट नेचर ऑफ मैटर। और डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका ये भी ग्राउंड है कि मियर वॉइस सिंगल सीकिंग वॉइसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट शुड नॉट बी कर्टेड लाइक दिस। तो ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सचिन पायलट ग्रुप के द्वारा कोर्ट के समक्ष ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हम केवल पार्टी के अंदर विरोध कर रहे हैं, और अगर लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में अपनी पार्टी के अंदर अपने मुख्यमंत्री का विरोध करना असंवैधानिक है तो उसके लिए इस प्रकार के कृत्य को नहीं किया जा सकता। और ये पूरी तरह से सिस्टम और मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस अब
पार्टी द्वारा, लेजिस्लेटिव पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो इन आधारों पर ये 19 विधायक हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि कोर्ट में जो लड़ाई होनी है वो बेसिकली कांग्रेस के ए पार्ट बिटवीन कांग्रेस के बी पार्ट में हो रही है, और लड़ाई इस बात की है कि हम केवल कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, और हमें आंतरिक लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए दम घोटा जा रहा है, और दम घोटने के लिए ये एक नोटिस उसका एक प्रमाणगी और एक बानगी है किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर बोलने वाले लोगों की आवाज को शांत किया जा रहा है। इस प्रकार की बात जो उन्होंने रिट पिटीशन में अपने ग्राउंड्स में बी सी और डी के अंदर कही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लड़ाई जो है अब पूरी तरह से इस बात पर आकर के केंद्रित हो गई है कि हम पॉलिटिकल कोल्ड्रम्स के अंदर फंसे हुए हैं, और हम अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना चाहते हैं विद इन दी पार्टी रहते हुए, तो ये एक पिछले कुछ समय में ये सवाल भी उठे हैं कि 10th शेड्यूल जो है उसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी अपने आपस में इंटरनली इस चीज को करना चाहती है तो उस पार्टी के अंदर विरोध के सुर जो होते हैं वो आते हैं, और विरोध के सुर कई चीजों में गड़बड़ कर जाते हैं, और उन चीजों को लेकर के इस प्रकार की अराजकता का माहौल होता है। तो वर्तमान परिस्थितियां जो है वो स्पष्ट रूप से ये इस ओर इंडिकेट कर रही है कि जो नोटिस दिया गया है उसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि हमारा केवल सोल डिसेंटिंग व्यू था, हमने केवल विरोध किया है और इंटरनल पार्टी में विरोध किया है, और जैसा मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि पार्टी ने उनको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस तक नहीं दिया है। तो जब डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस पार्टी ने नहीं दिया और पार्टी स्वयं ये मानती है कि इनके द्वारा कोई इनडिसिप्लिन नहीं किया गया है, तो फिर चीफ व्हिप ने जिस व्हिप को बता रहे हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निवास पर हमने बुलाया, मुख्यमंत्री का निवास जो है वो विधानसभा नहीं है, न ही विधानसभा का वो सदन है। तो जब मुख्यमंत्री के निवास पर किसी विधायक को बुलाया जाता है हाजिरी के लिए पेश होने को कहा जाता है और वो वहां नहीं जाता, तो वो 10th शेड्यूल के अंदर नहीं, क्या रिटेन में होता है? देखिए ये जो अब चीफ व्हिप का कहना ये है कि हमने बुलाया, तो बुलाया तो उसका कोई नोटिस भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमने ईमेल से सबको भेजा है, जैसा नोटिस के अंदर रिट पिटीशन में उसको रिप्रोड्यूस किया गया है, वो ये कहते हैं कि हमने इसको पूरी तरह से भेजा है। तो जब भेजा गया था तो वो व्हिप के फॉर्म में नहीं था, चीफ व्हिप ने उसको भेजा है वो कहते हैं। तो चीफ व्हिप तो केवल विधानसभा के अंदर विधायक को क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउस ऑफ बिजनेस के जो रूल्स बने हुए हैं उसमें कैसा कंडक्ट करना है, और जब उस कंडक्ट में वो आचरण में दुराचरण करता है तो उस पर वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 191 के तहत कार्रवाई करते हुए 10th शेड्यूल में स्पीकर के पास जा सकते हैं, और चीफ व्हिप ये कह सकते हैं कि हमारे व्हिप जारी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। एक जजमेंट कोर्ट किया जा रहा था, मैं पिछले डिबेट में भी जब आपके साथ था तो उसमें ये बात कही जा रही थी कि एक जजमेंट है यूपी का, जिस जजमेंट के अंदर ये कहा गया था कि बीएसपी के कुछ विधायक बाहर चले गए, उन्होंने आंदोलन किया और उनको बाहर निकाल दिया गया। वहां पर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो जजमेंट जो था वो उत्तर प्रदेश के अंदर उस वक्त का था जब मायावती की सरकार के विरोध में बीएसपी के कुछ 13 विधायकों ने जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, और वो 13 विधायकों के साथ 37 विधायक और टूट करके आए, लगभग एक तिहाई लोग आने के बाद उन्होंने कहा कि हमने एक लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी का गठन कर दिया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये एक पार्टी डिवीजन नहीं था, डाउन द लाइन पूरी पार्टी में डिवीजन होना चाहिए। जैसा हमने इस प्रकरण में देखा कि उप मुख्यमंत्री को हटाने के बाद टोंक के कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिजाइन कर दिया, राज्य के अलग अलग हिस्सों से रिजाइन आ गया, तो ये डाउन द रिफ्ट पार्टी लाइन एक डिवीजन जो है इस प्रकार का क्रिएट होना चाहिए जिससे ये लगे कि पार्टी टूट गई है। तो उसी सूरत के अंदर जब पार्टी टूटती है तो वो रिकॉग्निशन माना जा सकता है, अदरवाइज वो पार्टी का टूटना नहीं माना जा सकता। यहां तो कोई पार्टी का टूटने की बात ही नहीं है क्योंकि अभी तक पार्टी ने उनको ना एक्सपेल किया है ना वो पार्टी से। लेकिन बातें बहुत सारी हो रही है कि जैन साहब पार्टी टूटने की बात नहीं हो रही, लेकिन वो अलग हो गए, इसके बाद नंबर गेम यहां पर चल रहा है कि किसके पास ज्यादा विधायक है किसके पास नहीं है, उपचुनाव तक की बातें यहां पर कही जाने लगी। तो क्या अभी जिस स्टेज में सरकार है प्रदेश की या जिस तरह से डिस्प्यूट्स हो गए हैं, कोर्ट में मैटर चला गया है, क्या आपको लगता है कि अभी ये वक्त है इन सब चीजों का या फिर अभी कोर्ट में मैटर है, इसका आपसे जवाब लेते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ीता जी, अभी आपने सुना कि बहस शुरू हो चुकी है और यही कहा कि ये इसे अवैध करार दिया जाए, ये जो नोटिस दिया गया है वो गलत है। जी इसके ऊपर जैसा कि ये बाकी पैनलिस्ट बता रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट, पहली बात तो दिस एक्सरसाइज इज वेरी प्री मेच्योर। सबसे पहली चीज है कि एक्सरसाइज प्री मेच्योर है, तो देयरफॉर अनलेस देयर इज अ प्रेजुडिस या कोई राइट्स अफेक्टेड हैं, देयरफॉर कॉशमेंट ऑफ दीज नोटिसेज इज ऑल्सो प्री मेच्योर, विच इज अ डिसीजन जो बहुत अनलाइकली है। दूसरी बात है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सेटिस्फाई करने की, दी ओनली बेसिस जिसके बेसिस पे इस नोटिस को कॉश किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी सफिशिएंट टाइम देना अपने पक्ष को रखने का बिफोर द नोटिस इज इशूड, या नोटिस देने के बाद देर इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी गिवन टू प्रेजेंट द केस।
अगर वो सब चीजें नोटिस में नहीं है, अगर बहुत छोटी डेडलाइन है, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे द कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। राजस्थान के अंदर जो है श्वेता, देखिए राजस्थान के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन में, उसमें 7 दिन का मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप 7 दिन तक का नोटिस उनको देंगे, टाइम पीरियड देंगे जवाब देने का। तो ये ग्राउंड याचिका में ये भी है कि हमें 3 दिन का ही समय दिया गया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ कि किस प्रकार से ये नोटिस आनन फानन में जारी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि हमने अब तक कोई डिसेंटिंग काम नहीं किया है, केवल एक डिसेंटिंग वॉइस उठाना या अपने पार्टी के अंदर 2 पार्टी की लेजिस्लेटिव, देखिए ये जो बात है यहां पर स्पष्ट रूप से ये देखने वाली है कि ये लेजिस्लेटिव हाउस की मीटिंग के लिए विप नहीं थी। अगर ये मान लीजिए पार्टी के विधायकों को एक इंस्ट्रक्शंस भी थे कि आप आइए और पार्टी की ज्वाइन की, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी जो उनका था उसकी काम नहीं था, केवल पार्टी के चुने हुए विधायकों की एक मीटिंग थी। और जिस स्थान पर मीटिंग रखी गई वो सदन नहीं थे। तो दोनों ही सूरत हाल में ये जो नोटिस दिया गया है ये एब्सोल्युटली एक मिसकंसीव्ड नोशंस के साथ में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आया है, अब इसमें देखिए 2 बातें हैं। जैसा मैं पहले भी कह रहा था आपको कि प्रीमेच्योरनेस इसमें क्या है, प्रीमेच्योरनेस ये है कि क्यों इस बारे में डाउट किया जाए कि विधानसभा के स्पीकर जो कि एक संसदीय पद पर बैठे हुए हैं, पदेन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लांछन लगाया जाए कि वो राज्य के सूबे की सरकार के साथ मिले हुए हैं। ये माना जाता है कि जो सदन के अंदर लोकतांत्रिक संस्थान बने हुए हैं और उसके ऊपर बैठे हुए जो पदेन लोग हैं वो निष्पक्ष रूप से किसी के साथ बिना प्रेम प्रीत वैर वैमनस्य रखे काम करते हैं, तो ऐसे में स्पीकर के द्वारा एक याचिका, देखिए कोर्ट में भी याचिकाएं आती हैं, झूठी सच्ची हर प्रकार के मुकदमे आते हैं, ठीक वैसे ही उनके सामने एक झूठा याचिका तथाकथित तौर पर महेश जोशी द्वारा चीफ विप जो है उन्होंने पेश किया। अब वो झूठी ही सही, भले ही गलत ही, मनगढ़ंत तथ्यों पे सही, नोटिस उन्होंने जारी किया है, जवाब मांगा है, पूछा है, देखना चाहते हैं कि है क्या मामले के प्रकरण में निर्णय करेंगे। तो जब तक निर्णय होता नहीं उससे पहले ये प्रीमेच्योरली कैसे मान लिया जाए कि विधानसभा स्पीकर तो वही करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ये दोनों ही सूरत हाल के अंदर अभी ये कहना कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया साहब और ये हो गया, ये एक तरह से सरकारी पक्ष के द्वारा ये या विधानसभा स्पीकर के द्वारा भी ये पक्ष रखा जाएगा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा है, उसके अंदर एक बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक स्थिति के ऊपर बैठा हुआ पदेन अध्यक्ष है, और जब वो पदेन अध्यक्ष बैठकर के वहां पर निर्णय कर रहे हैं तो उस निर्णय के ऊपर सभी को आस्था और विश्वास रखना चाहिए। और यदि वो निर्णय गलत सिरे से होता है उसके बाद में कोई भी कार्रवाई जो है वो कोर्ट के अंदर हो सकती है। तो जैसा अजय कुमार जैन साहब ने अभी कहा, नागालैंड वाले मैटर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि आपको समय जो है वो रीजनेबल समय देना होता है कि आप जवाब दे सके, और दे हैव ऑलरेडी बीन इनेबल्ड। 7 दिन का समय भले ही दिया गया है उन्होंने परिस्थितियों को भांपते हुए, पर यहां ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पक्ष द्वारा हाउस फ्लोर टेस्ट की मांग की गई हो और हाउस फ्लोर टेस्ट की मांग की वजह से कोई कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस वहां एग्जिस्ट करते हो, या राज्यपाल महोदय ने कहा हो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप जाएं और सदन में विश्वास मत प्राप्त करें, ऐसी कंपेलिंग सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि सरकार कहती है कि उसके पास बहुमत है, और सरकार बहुमत होने के बाद यह भी कहती है कि सदन विधानसभा जो है वो अभी सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि सरकार रातों रात सदन के अंदर विश्वास मत प्राप्त करने में फेल हो जाती, या विपक्षी दल जो है वो मांग कर चुका है कि आपको आप यहां पे फ्लोर टेस्ट करवाना है, या कोई कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट करवा करके आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में असंतुलन की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड बना है और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में कोर्ट हस्तक्षेप न करके कोर्ट फ्लोर टेस्ट के लिए कहे और पार्टी को कहे कि आप जाइए और सदन में जाएं, आपका सदन है, आप लोग जाएं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो फैसला कर लें कि आपकी परिस्थितियां कहां है और आप कहां स्टैंड करते हैं, और उसके बाद वैधानिक साइकिल है वो पूरी साइकिल अपने आप में चेंज जो है वो इनिशिएट होगी और उसके बाद में निर्णय हो जाएगा। तो वर्तमान परिस्थितियां ये स्पष्ट है। ठीक जैन साहब, मैंने शुरू में कहा था कि जो नोटिस जारी किया गया है दैट इज विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, यानी आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो वेरी फर्स्टली यू शुड अप्लाई योर माइंड, अब क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एविडेंस है, उसके बाद लगता है तब नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कहा गया है इसके अंदर कि हमने 2 बार नोटिस दिया और वो आए नहीं हैं और आपने याचिका लगा दी, तो इससे मैं कह रहा हूँ कि चूंकि नोटिस जो है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है इसलिए उसको हाई कोर्ट को मेरे हिसाब से इसको अभी स्टे करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन जैन साहब एक और जानकारी मिली कि याचिका में संशोधन की बात यहां पर हरीश सालवे ने कही है और संशोधन करेंगे इसलिए माना जा रहा है कि कल पर भी सुनवाई टाली जा सकती है। फिर तो टलेगी, फिर तो सुनवाई टलेगी। संशोधन की बात कर पर अभी जो अभिनव जी ने कहा, आपने कहा अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है, कर्नाटक का जो क्राइसिस हुआ वो अपने आप में एक है,
जो 2020 में एससी से में रिपोर्ट हुआ 2019 के में जिसमें श्रीमंत बाला साहेब पाटिल उसके आप शुरुआती पैराज को देखिए, उसमें इनिशियली जिन 3 एमएलए को नोटिस दिया गया था शिकायत जो जिसमें वहाँ भी जो विप था कांग्रेस का चीफ विप था उन्होंने दी थी, उन्होंने स्पीकर को ये शिकायत की थी कि ये एमएलए न तो पार्टी की मीटिंग में आ रहे हैं और न बुलाने के बाद न असेंबली के अंदर आ रहे हैं, नोटिस देने के बाद भी मीटिंग में आ रहे हैं और उस पर उनको डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया गया था। वो मैटर चूंकि बाद में उलझ गया इसलिए ये इशू सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से तय नहीं कर पाया, पर इस इशू पर इन लोगों के अगेंस्ट में डिस्क्वालिफिकेशन की फाइंडिंग्स स्पीकर द्वारा दी गई थी जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल करके इतना किया कि पूरे यानी इस पूरे असेंबली पीरियड के लिए नहीं किया जा सकता, ये जब इन्होंने ये छोड़ दिया तब तक ही इसका क्वारी ये चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, तो तब एक ग्रे एरिया उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के में छूटा हुआ है जिसको लेकर लगता है कि ये नोटिस जारी किया गया कि बाहर की मीटिंग में भी अगर हम नहीं आ रहे हैं तो नहीं दिया जा सकता। और नागालैंड का जजमेंट था जिसमें 7 दिन का नियम पालना नहीं की गई थी, 3 दिन का दिया गया था, उसकी आड़ लेकर यहाँ पर 3 दिन का नोटिस दिया गया। अब जस्टिस सतीश कुमार शर्मा इसकी सुनवाई कर रहे हैं, सतीश कुमार शर्मा अभी स्थायी जज नहीं है राजस्थान उच्च न्यायालय के, वो अभी 2 साल के लिए अस्थायी जज हैं, परंतु मेरा ये मानना था कि बेहतर होता कि किसी सीनियर जज के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। आप इस पर कुछ कह रहे थे? देखिए मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर संशोधन के लिए टाइम मांगा जा रहा है तो डीबी का गठन कैसे होगा? डीबी में कैसे जाओगे इसको? या तो विड्रॉ करते, वो हो सकता है उन्होंने ये कहा होगा, मैं जो अभी देख पा रहा हूँ इन्होंने विड्रॉ की होगी कि आप इसको अमेंड करके हम फिर फ्रेश फाइल कर जाते हैं, तो ये बात समझ आ सकती है। और जैसा मिस्टर भंडारी अभी कह रहे थे जो उनके वकील थे विधान इनके विधानसभा के अध्यक्ष जो वकील थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने 10 शेड्यूल को चैलेंज किया उसको, ये तो वो अगर चैलेंज भी करना है क्योंकि वायरस चैलेंज कर लिया उसको कानून को वो हटवाना जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको तो पहले विड्रॉ करना पड़ा इनको इसको विड्रॉ करने के बाद में ही डीबी में जा सकते हैं ये डबल बेंच के अंदर, इसके पेंडिंग रहते हुए नहीं जा सकते। तो या तो ये ऑर्डर उन्होंने मांगा होगा कोर्ट से कि आप अमेंड करके संशोधित करके नई पेश करना चाहते हैं इसे हमें इसको अनुमति दी जाए, लेकिन चूंकि सामने ने ऑब्जेक्शन किया है इसलिए अगर ये चाहते हैं कि डबल बेंच जाए तो उस रूल को चैलेंज कर रहे होंगे ये, हालांकि रूल तो कई बार चैलेंज हो चुके हैं, पर मुझे ये लग रहा है इस प्रकरण को डीबी में सुनवाई करने के लिए ये कार्रवाई की गई है ताकि आज विड्रॉ करके और डीबी में लगाई जाए इसको, तो ये याचिका। अब आगे की प्रक्रिया जैन साहब, क्योंकि अब ये दोबारा वक्त की बात कही जा रही है कि सुनवाई आज देर रात भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कल तक नोटिस का जवाब देना, ये है होगा क्या आप इसमें? देखिए ये तो मुख्य न्यायाधीश की मर्जी है कि वो कब सुनवाई करें, क्योंकि हिंदुस्तान में अदालतें ना तो एयरपोर्ट पे भी सुनवाई कर ली थी, तो ये तो चीफ जस्टिस का अपना डिस्क्रिप्शन है कि वो कब सुनवाई करें, आज करें रात को करें कल करें या उसके बाद करें, ये मुख्य न्यायाधीश का अपना विवेका अधिकार है जिसको वो जब चाहेंगे तब उसका प्रयोग करेंगे। परंतु ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये याचिका वापस ली गई है आज अचानक बिना बहस किए हुई, तो या तो ये याचिका बिना तैयारी के प्रस्तुत कर दी गई थी, और दूसरा जो 10th शेड्यूल को चैलेंज करने की बात है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया हुआ है, 10th शेड्यूल को चैलेंज किया हुआ है, तो और इसको हमेशा उसमें तो इसको अपेल किया, इसको अपेल जैसे अभिनव जी बता रहे हैं कि इसको अपेल किया हुआ है किलोतो होलोआन का, उसके अंदर इसको पूरा एग्जामिन करके अपेल वैलिडिटी अपेल किया। देखिए मैं समझता हूँ वो क्या करना चाहते हैं, वो ये होना है कि यहाँ इस प्रकरण को एक तो खंडपीठ के समक्ष सुनवाई कराना चाहते हैं और दूसरा संभवतः प्रयास ये है कि कुछ टाइम बाई किया जाए और कुछ मैनेजमेंट जो है वो इस प्रकार से हो कि हमारे जो नोटिस हैं जिसको नोटिस दिया गया उस नोटिस को हम चुनौती ढंग से दे पाए। अभी इन्होंने ये जो आधार लिए या जो हमने बातें की अभी तक वो ये हुआ कि सर आपने चुनौती ये दी कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा, हमने केवल बोला जो जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि हम पार्टी के अंदर एक विरोधी सुर थे, हमारे सुर को दबाने की कोशिश, केवल इस आधार पे चुनौती देना सफिशिएंट नहीं था। और मैं समझता हूँ कि सीनियर एडवोकेट ने जब इस चीज को देख करके आगे की चीजें समझी होंगी तो उन्होंने ये बिल्कुल मुनासिब तौर पे उचित समझा कि उस नोटिस की ये ऐसा है यहाँ पिछले कुछ समय से
माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, और परिस्थितियां विषम इसलिए है कि इस वक्त हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो 20 तारीख तक बंद है। न्यायालय में कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हैं, कोर्ट के अंदर जजेस की सिटिंग नहीं है, फिजिकल अपीयरेंसेस बंद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और सुनवाई चल रही है। तो अब परिस्थिति ऐसी है कि ये चीफ जस्टिस महोदय पर निर्भर करता है, यदि प्रार्थना पत्र मूव कर दिया जाता है और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय परिस्थितियों को देखते हुए, और ये विशेष तौर पर परिस्थिति है कि 17 तारीख यानी कल इस पर जवाब देने का अंतिम समय है, उसके बाद स्पीकर को अपना निर्णय देना है, तो यदि ये एंटिसिपेशन हो कि कल की कल स्पीकर महोदय द्वारा कोई आदेश पारित कर विपरीत परिस्थितियां क्रिएट की जा सकती हैं जिसमें इस प्रकरण की सुनवाई इस प्रकार से प्रभावित हो जाए कि न्यायालय आदेश पारित न कर सके, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय आज ही इस प्रकरण की सुनवाई के लिए निश्चित तौर पर देने के लिए स्वतंत्र है। देखिए उसमें दो बातें हैं, अब ये रिट पिटीशन पेश हुई है, एक रिट पिटीशन पेश हुई है, इसमें वो कुछ संशोधन चाहते हैं, दो संशोधन इस प्रकार का होगा कि प्रकरण जो है यदि वो संशोधन अलाउ किया जाता है तो प्रकरण खंडपीठ के समक्ष रखने के लिए आदेशित किया जाएगा। तो अब ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आज की आज आप एप्लीकेशन पेश कर दें, आज की आज वो एप्लीकेशन, देखिए पहले एप्लीकेशन पेश होगी वो सिंगल बेंच के सामने जाएगी, उसके बाद ही खंडपीठ का निर्माण हो सकता है, खंडपीठ का गठन हो सकता है, और ये सारी प्रक्रिया जो है अब इसमें अगर न्यायालय ये बात समझे जा रही कि डबल बेंच का गठन आज ही किया जाएगा, ये इसके लिए अभी शाम को उसके लिए ये आवश्यक है, या तो ओरली रिक्वेस्ट करते ही उसके भी दे वांट टू विथड्रॉ इट, नहीं वो की होगी निश्चित तौर पर वो की होगी, उस पे कोर्ट ने कुछ ना कुछ कार्रवाई की होगी, लेकिन जब तक ये जब तक पेंडिंग है सिंगल बेंच की डीबी में नहीं आ, लेकिन जब तक सिंगल बेंच का आदेश नहीं आएगा क्योंकि मामला एसबी के सामने था और सिंगल बेंच ये नहीं कह दे कि इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि वो उचित खंडपीठ का इसमें गठन करें, तो ये आदेश जब तक पारित नहीं होता तब तक खंडपीठ का गठन नहीं हो सकता, तो पूर्ण रूप से ये माना जाएगा कि पहले तो सिंगल बेंच में ही सुनवाई होगी और उसके बाद में फिर कहीं जाकर के मुख्य न्यायाधीश महोदय का रोल आएगा और मुख्य न्यायाधीश महोदय उसके बाद जब ही उसके अंदर कोई आदेश पारित कर सकते हैं। ध्रुव गुप्ता जी, जिस तरह से बात अभी अभिनव जी ने कही है कि यही पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती कि शाम को ही डीबी का गठन हो जाए और आज ही सुनवाई हो जाए इस मामले को लेकर, वो अमेंडमेंट के साथ याचिका भी लगा दे, क्या इतना फास्ट ये हो सकता है? और दूसरा जिस तरह से विड्रॉ करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, या तो आज लगा दे एप्लीकेशन, एक संभावना है ये है, या तो सिंगल बेंच में आज ही लगा दे एप्लीकेशन दैट दे वांट टू विड्रॉ इट, तब तो उनकी डीबी में चल सकती है, लेकिन ये नहीं होता जो अभिनव जी कह रहे थे कि सिंगल बेंच रखा जाएंगे, कल सिंगल बेंच ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर मिलेगा उसके बाद ही डीबी में जाएंगे ना, पेटिशन फाइल करने के बाद ही टाइम लोगे आप। जैसे रिट पेटिशन की कॉपी अगर आप देखें, रिट पेटिशन के अंदर कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं लिया गया है जिसमें रूल को चैलेंज किया गया है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चैलेंज किया गया है, तो जब तक कि वो अपने आप में पेटिशन में अमेंडमेंट नहीं आएगा टू इंक्लूड ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, तब तक उसके बेसिस पे रूल्स चैलेंज नहीं हो सकते, सिर्फ एक ओरल प्ली पे। तो जहां तक ये रूल्स चैलेंज करने की बात है, या तो इस करंट रिट पिटीशन को विड्रॉ किया जाएगा, जैसे कि सही बताया गया है, इसको विड्रॉ किया जाएगा, लिबर्टी ली जाएगी टू मूव इट अफ्रेश, दोबारा फाइल करने की, चैलेंजिंग द रूल्स। अभी जो हम सुन रहे हैं वो केवल सरकारी पक्ष या स्पीकर महोदय का पक्ष या जोशी जी का पक्ष हमने सुना है। मैं समझता हूं कि यहां पर चुनौती जो दी जानी है वो नोटिस को चुनौती दी गई। अब वो नोटिस को चुनौती किस आधार पे दी गई? अब जो आधार लिए गए उसमें ये टेक्निकल डिफिकल्टी थी कि आपने उस नोटिस को की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी है, आपने ये कहीं नहीं कहा कि ये नोटिस जो है वो असंवैधानिक है, और असंवैधानिक है तो किन आधारों पर असंवैधानिक है? अब जब आप किसी नोटिस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं तो फिर वो प्रकरण जो है वो खंडपीठ के समक्ष जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में निश्चित तौर पर, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपीयर हो रहे हैं वो सब इस मामले में पूरी तरह जानते हैं कि ये जो 10th शेड्यूल है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑलरेडी अपहेल्ड हो चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुके वो हाईकोर्ट चुनौती देकर के उसको सेटिसाइड या कोई डिफरेंट व्यू लेने का हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। हाईकोर्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाकर के 10th शेड्यूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुके हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में केवल कुछ लिमिटेड स्कोप के आधार पर या किसी लिमिटेड प्रोविजन या पार्ट को ही उसके अंदर से चुनौती देने का प्रयास मैं समझता हूं किया तो किया जा सकता है, या फिर नोटिस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। सुमित्रा जी, इस पूरे मामले को लेकर, अध्यक्ष को लेकर भी, उनके इस फैसले को लेकर, व्हिप जारी करने को लेकर भी बात कही जा रही है। सबसे पहले तो क्योंकि आप भी विधानसभा अध्यक्ष रही हैं, नियम कानून को बेहतर समझती हैं, इस पूरे मैटर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं जी कि अब कोई कानून की परवाह ही नहीं कर रहा जी। मुझे आप ये बताएं कि जो
पायलट साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार को कह दिया कि तुम माइनॉरिटी मारे भाई पार्टी में बात करते और पार्टी में बात करके पहले इस्तीफा देते, इस्तीफा देके पार्टी में बात करते और कहते पार्टी के अंदर आप अपना बहुमत सिद्ध करो और फिर आगे कुछ होता सो होता। तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए यदि कोई चैलेंज कर सकता है कि गवर्नमेंट अब माइनॉरिटी में आ गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने कहा तो सारे ही काम ऐसे हो रहे हैं और सही बात यह है कि आज दिन तक जो हुआ है वो यही हुआ है कि विधानसभा के अंदर जिसने डिफाई किया है विप को उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है जी। पहला ही मौका है कि इस तरह किससे है, लेकिन उनका कहना भी सही है कि जब जिस सिंबल पे जीते हैं कांग्रेस सिंबल पे जीत के आए हैं ये लोग और दो बार इनको बुला लिया, दो बार मीटिंग कर ली और उस मीटिंग के अंदर नहीं आते हैं तो फिर क्या किया जाए, क्या करता स्पीकर भी क्या करता जी। स्पीकर को लिख के दिया पार्टी ने तो स्पीकर को देता ही नोटिस कि भाई क्यों नहीं आए तुम, दो बार बुलाने पे आए क्यों नहीं बताओ। और वो सुमित्रा जी वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सदन का मैटर नहीं था और इस तरह से आप कहीं पे भी बुलाएंगे या होटल में या सीएमआर में तो हम नहीं पहुंच जाएंगे और इसको लेकर ये नोटिस बनता नहीं है। में किसने होटल में कौन बुला रहा था, असेंबली में बुलाया था उनको स्पीकर ने तो असेंबली में कहा कि भाई आकर के या तो लिखित में जवाब दो या वैसे आके जवाब दो, होटल में किसने बुलाया। क्योंकि क्योंकि जो दो बार विधायक दल की बैठक हुई सुमित्रा जी, एक तो सीएमआर में हुई है मुख्यमंत्री की आवास पर और दूसरी होटल फेयर माउंट में, और उन्होंने यही आधार दिया है इस मामले को लेकर जो याचिका लगाई है और इसमें अध्यक्ष को लेकर भी कह रहे हैं कि वेब जारी होता ही नहीं है, ये आधार वो दे रहे हैं। नहीं 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 एक बात है जी, मीटिंग तो पार्टी की मीटिंग कहीं भी बुला सकते हैं, क्या बात हुई इसमें, पार्टी का जो नेता है वो मीटिंग कहीं भी सुविधा अनुसार बुला सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि विधानसभा में ही बुलाओ, बिल्कुल आवश्यक नहीं है बिल्कुल। और इसे लेकिन इसे लेकर जो नोटिस दिया गया है सुमित्रा जी, इसे लेकर ही जो नोटिस दिया गया अब उसी को लेकर याचिका कोर्ट में लगा दी गई है, सुनवाई हालांकि अभी टल गई है और वही ये आधार है और जो 10th शेड्यूल है उसमें भी हाउस की जी आज 3 बजे सुनवाई होनी थी, हुई नहीं क्या, हुई सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई टल गई है, अमेंडमेंट की बात कही है, कुछ संशोधन करेंगे उस याचिका में, दोबारा याचिका लगाई जाएगी सुमित्रा जी। अच्छा जी, तो इसीलिए सवाल अध्यक्ष को लेकर भी उठा रहे हैं, ये असंवैधानिक है इस तरह से नोटिस भेजना, ये भी कहना है इस पक्ष का, इसलिए इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका लगाई। सुमित्रा जी इसी को लेकर ही आप जानना चाहेंगे, आपने कहा लेकिन जो 10th शेड्यूल है उसमें तो हाउस की बात कही जा रही है और यही आधार वो दे रहे हैं। देखिए नैतिकता के आधार के ऊपर जो जिस सिंबल पे जीत के आया है यदि उस सिंबल के ऊपर वो अपने नेता का कहना नहीं मानता तो ये तो अधिकार उनको है कि वो पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं आए, यही तो पूछा है जी, भाई तुम क्यों नहीं आए मीटिंग में और क्या पूछा है, बिल्कुल जवाब दे अपना क्यों नहीं आए, दे दो जवाब, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। लेकिन सुमित्रा जी पहले कभी इस तरह से किसी पार्टी में खासतौर से कांग्रेस में ये देखने को राजस्थान में तो नहीं मिला, अभी ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है सुमित्रा जी, अपने ही विधायक नाराज जी, राजस्थान में तो ये नजीब पहली बार ही आई है, बिल्कुल ये पहली बार हो रहा है लेकिन ऐसे में गलत मैसेज भी जा रहा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसे, सदन को चलाना एक अलग चीज है, विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात रखते हैं लेकिन ये 19 विधायक सचिन पायलट समेत उनका कहना है कि जब हमारी सुनी नहीं गई और 1.5 साल हमने बहुत वक्त दिया इसके बाद ही हम यहाँ बागी हुए हैं सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, तो पार्टी भी करते बात कौन ना कर रहा था इनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा इनको, वहां जाकर के और जिसे कहना चाहिए बीजेपी के मुख्यमंत्री के प्रदेश में जाने की आवश्यकता थी, यहाँ करते मीटिंग और पार्टी मीटिंग बुलाते। 1954 में यही हुआ था, 1954 में जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ अविश्वास पार्टी में ही होने लगा तो पार्टी की मीटिंग बुला करके पार्टी ने हटाया था उनको और इनको बनाया था, उस वक्त मोहनलाल सुपाड़िया को नेता इलेक्ट किया था, ये वो यहाँ कर सकते क्या बात थी, बिल्कुल। सुमित्रा जी इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, फ्लोर टेस्ट होगा या उस स्थिति तक पहुंचेंगे? फ्लोर टेस्ट होगा तो अशोक गहलोत की पार्टी कांग्रेस की पार्टी जीतेगी जी, मैं आज बता रही हूँ जी, के पास पर्याप्त बहुमत है जी,
बहुत शुक्रिया सुमित्रा सिंह जी बातचीत के लिए। क्या उस नोटिस का जवाब देने का जो वक्त है उससे पहले ही सुनवाई इस मामले को लेकर होना तय है या फिर इससे भी डिले हो? देखिए श्वेता, अब दो बातें हैं, एक ये कि अब स्पीकर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, और अगला जो एपिसोड है वो अब लगभग निर्णय नहीं होने तक या याचिका पेश नहीं होने तक अब सवाल यही है कि अब स्पीकर क्या करेंगे, क्योंकि न्यायालय के द्वारा कोई स्टे तो है नहीं और माननीय न्यायालय ने ये कहीं नहीं कहा कि आप इस प्रकरण में कुछ करें या ना करें। दूसरी ओर याचिकाकर्ता जो हैं वो स्वयं ये कह चुके कि हमारी याचिका आनन फानन में पेश हो गई, कुछ तकनीकी चीजें रह गई हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, हमें समय दिया जाए। तो इस तरह से उनके द्वारा भी अभी तक फर्स्ट मोशन हियरिंग पे रिट पिटीशन को प्रेस नहीं किया गया है, यानी इसके अंदर कोई भी कार्रवाई किए जाने के लिए न्यायालय से गुजारिश नहीं की गई है। तो एक तरह से मोशन हियरिंग अभी इनिशियल स्टेज पर हुई नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि संवैधानिक दायरों के बीच में क्या स्पीकर महोदय कोर्ट में लंबित एक प्रकरण के लंबित रहते हुए जहां पर वो अपने वकीलों के माध्यम से ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हैं, सरकार भी कैवियट में है और सरकार को ये भान है कि ये नोटिसेस जो हैं वो कोर्ट में चैलेंज किए जा चुके हैं, क्या वो आदेश पारित करना उचित समझते हैं? तो क्या अब स्पीकर के द्वारा 17 तारीख में मान लीजिए ये प्रकरण ऐसा चलता है कि इसमें एसबी के रिट पिटीशन को वो या तो अमेंड करते हैं या विड्रॉ करते हैं या जो भी करके नई याचिका आती है और खंडपीठ में प्रकरण जाने तक 17 तारीख गुजर जाती है, तो बाद मियाद गुजरे समय जो उनको दिया गया था नोटिस के जवाब देने का, यदि वो मियाद गुजर जाती है तो उसके बाद स्पीकर स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। स्पीकर चाहें तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, स्पीकर चाहें तो अपने डिसीजन को होल्ड पर भी रख सकते हैं। एक एक रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जरूर आप सभी से चाहेंगे ध्रुव गुप्ता जी, इस पूरे मैटर को लेकर, याचिका लगाने से लेकर ये जो शुरुआत हुई है पूरी 5-6 दिन की हम बात कर लें, एक लास्ट रिएक्शन। देखिए जहाँ तक कि इनकी आज की स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि ये टाइम लेना चाह रहे हैं अपनी पेटिशन अमेंड करने के लिए, इसमें सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट ये रहेगी देखने का कि क्या स्पीकर इसमें पूरे इंटरिम पीरियड में जब तक कि दोबारा याचिका लगती है तब तक क्या स्पीकर अपना डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर स्पीकर नहीं डिसीजन लेते हैं तभी भी कोई राइट्स अफेक्टेड नहीं रहेंगी, प्रीमेच्योर पेटिशन रहेगी अनलेस कि वो रिट रूल्स चैलेंज कर रहे हैं या अमेंडमेंट्स चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पीकर डिसीजन ले लेता है तो इनको एक नया ग्राउंड मिलेगा टू मूव रिट पिटीशन अफ्रेश एंड इम्प्यून द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर। जी जैन साहब, देखिए मेरा तो ये मानना है कि ये दिल्ली के जो लीगल टीम थी इनके समझ में ये आ गया है कि इन्होंने जल्दबाजी में और एक गलत पिटीशन पेश कर दी है जिसको इन्होंने विड्रा कर लिया। इसका नुकसान सचिन पायलट कैंप को ये हुआ कि वो प्रैक्टिकली एक लीगल बैटल हार चुके हैं, अब सारा का सारा खेल जो हाथ में है, डीबी में चीफ जस्टिस कब लगाते हैं, डीबी में कब पेश होती है ये अलग बात है, पर मेनली जो स्ट्रॉ सबसे बड़े प्लेयर इस गेम में है वो स्पीकर हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जुडिशियल डिसीजन की पालना करते हैं, इनको मौका देते हैं, समय देते हैं, या वो कोई जल्दबाजी में निर्णय करते हैं, पर पहली लीगल बैटल सचिन पायलट का कैंप आज हार गया। जी पूनम चंचल, देखिए दो बात है, अब जो स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो इनको तामील हो चुका बिकॉज दे हैव चैलेंज्ड बिफोर दी हाईकोर्ट। अब स्पीकर साहब के पास कल तक का टाइम है, इनको टाइम दिया कल तक का, अगर ये जवाब नहीं पेश कर सकते हैं तो परसों सुबह स्पीकर कोई भी ऑर्डर्स पे कर सकते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अब इनके पास कल कल का टाइम है, जो मैं सारा अब सुन रहा हूँ मामला, संशोधन के टाइम चाहा है तो संशोधन के लिए आपने कोई एप्लीकेशन अभी मूव की नहीं है, आपने ओरल रिक्वेस्ट करके विड्रॉ भी नहीं किया, हम डीवी चैलेंज करेंगे, क्योंकि सरकारी जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन ये किया था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया है, इसलिए मेंटेनेबल नहीं है। उस पॉइंट पर इन्होंने कहा कि ये बात सही है और इनको टाइम मांगा है, मेरे हिसाब से उनको चाहिए था उसको विड्रॉ कर लेते, हम डीबी फाइल करेंगे तो फाइल कर सकते थे। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ सर, ये उसके हिसाब से कोर्ट ने इनको कल तक का टाइम दिया है तो कल तो ये एप्लीकेशन लगाएंगे, सामने कॉपी देंगे तो सामने जो अपोजिट काउंसिल हैं दे कैन सीक टाइम कि इनको विड्रॉल की अनुमति दी जाए, संशोधन की अनुमति दी जाए या ना दी जाए, उस पर बहस होगी, उस पे बहस होने के बाद जो सिंगल जज पे ऑर्डर करेंगे, यानी अब वक्त ज्यादा लग जाएगा इससे, टाइम लगता है इसके अंदर, तो तब तक डीवी में जा सकते, इनको चाहिए था ये आज ही विड्रॉ कर लेते तो कल डीवी जा सकते थे, तो ये वक्त भी बच सकता था अगर ये तुरंत ही ये आज विड्रॉ कर लेते, आज आ जाते। मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो लोकतांत्रिक मर्यादाएं जो है वो पिछले कुछ समय से तार तार होती हम देख रहे हैं। अब स्पीकर के ऊपर ये आरोप है रिट पिटीशन के ग्राउंड वी में कि हमें उनसे निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, तो एक बायस का एलिगेशन स्पीकर के
के ऊपर यहाँ पर लगाया गया है। अब समय यह है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जिंदा रखने के लिए स्पीकर एक मैच्योर डिसीजन ले, और मैच्योर डिसीजन उसका क्या होता है वो तो खैर उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन वो स्वतंत्र है, कोर्ट की तरफ से कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। परंतु चूंकि उनके ऊपर आक्षेप लगाती हुई एक याचिका लंबित है, वो लंबित आज की तारीख में निर्णित नहीं हुई है, और उस याचिका की पेंडेंसी के ड्यूरेशन में अगर कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वो निश्चित तौर पर सचिन पायलट खेमा उसको एनकैश करना चाहता है। और मैं समझता हूं कि एक टेक्निक के तौर पर भी हो सकता है, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्रवाई की गई हो, ताकि न्यायालय को ये बताया जा सके कि स्पीकर के द्वारा देखिए ये निर्णय कर दिया गया है, और ये स्पष्ट था कि स्पीकर इस प्रकार का निर्णय करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे और ये सारी फॉर्मेलिटीज थी और ये फॉर्मेलिटीज की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई में अपनी बात रखी जाती है, बहस होती है, लेकिन इसके बाद संशोधन की बात सामने आती है, अमेंडमेंट करना है। लेकिन जिस तरह से चर्चा में भी सामने आया, अभी वक्त इसमें लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है, जो पहली याचिका यहाँ पर लगी है वो बैटल जरूर सचिन पायलट हारते हुए नजर आए, लेकिन अब तुरंत ही कहा जा रहा है जैसा कि विड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा डबल बेंच में जाने की बात की जा रही है, शांत डबल बेंच का गठन हो सकता है। अब ये पूरा वक्त पर डिपेंड करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में और कितना वक्त लगेगा, लेकिन दोबारा इस मामले को लेकर सुनवाई होना भी तय है, क्योंकि फिलहाल सुनवाई को टाला गया है। चलिए, एक साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।